अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, एज़ यूजुअल वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जज़ाकल्ला। फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं मटन अफ़गानी। मटन अफ़गानी के लिए यहाँ पर मैंने मटन लिया है। मटन है मेरे पास यहाँ पर 600 ग्राम। इसमें हम एक टेबलस्पून भर के लहसुन कुटा हुआ डालेंगे और एक टेबलस्पून भर के हम इसमें अदरक डालेंगे। जिंजर गार्लिक दोनों हमने ऐड कर लिए हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसमें अब नमक ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से जितना आप पसंद करते हो। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का ऐड करके हम इसको गलने के लिए रख देंगे फ्लेम पर। मटन है इसलिए हमें इसको गलाना पड़ेगा पहले। अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो मैं आगे चल के आपको किस स्टेज पे हम चिकन को पकाएंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसको हम कवर करके और तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं मैंने, एक अदरक का टुकड़ा और लहसुन के जवे लिए हैं मैंने 5 से 6, एक बड़े साइज़ का ऑनियन रफली चॉप और धनिया। ये सारी चीज़ें हम एक ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब इनका हमें पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना वाटर। वाटर के बगैर पेस्ट नहीं बनेगा तो हमें इसमें वाटर ऐड करना होगा। थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा ये और हम इसको निकाल के एक बाउल में रख देंगे। ब्लेंडर में डाल के ये सारी चीज़ें हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल देते हैं। मटन हमारा गल चुका है, पानी इसका बिल्कुल भी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। थोड़ी सी शाइन आएगी इससे गोश्त में। बस अब ये तैयार है हमारा। 1 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे और हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ठंडा होने के लिए रख देंगे हम इसको। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है खाली, उसमें 1 कप जितनी मैं योगर्ट ऐड करूँगी। 1 प्याली जितनी योगर्ट हमने ली है यहाँ पर। हम एक मिक्सचर बनाएंगे और इसमें मैं डालूँगी क्रीम, फ्रेश क्रीम, टेट्रा पैक वाली जो क्रीम आती है वो तकरीबन 1/2 पैकेट में डालूँगी। 100 ग्राम जितना इसमें क्रीम ऐड कर लूँगी मैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के, चाट मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद मिर्च जो दखनी मिर्च होती है वो पिसी हुई, वो हमने 1/2 टीस्पून ली है। इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इनमें। अब ये वाला जो हमने पेस्ट बनाया था, आनियन वाला, गार्लिक लहसुन और हरी मिर्च और धनिया वाला जो हमने पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा एक बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी क्योंकि नमक हमने गोश्त में डाला है, ग्रेवी में भी हमें डालना है तो नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें विनेगर डालेंगे हम, वाइट विनेगर, सिरका 2 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा सिरका। अच्छे से मिक्स करके हम इसमें मटन जो हमने बॉईल किया था, अब हम इसमें मटन डाल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट चिकन वॉश करके अच्छे से इस बैटर में मिक्स करके और आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मटन लिया था हमने इसलिए हम मटन को गलाने की ज़रूरत होती है। अगर हम मटन को नहीं गलाते तो ये हमारा कच्चा हो जाता। अगर आप चिकन यूज़ करें तो इस स्टेज पे आप चिकन ही डालें डायरेक्ट पेस्ट बना के। मटन के साथ थोड़ा हमें गलाना पड़ा इसलिए हमने इसको गलाया है। अब इसमें ऑयल डाला है, 5 से 6 टेबलस्पून तक मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। एक इंग्रेडिएंट और भी इसमें जाएगा जिससे बहुत अच्छा अफ़गानी टेस्ट आएगा। इसमें 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी का पाउडर डाला है हमने इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 30 से 40 मिनट तक हम इसको मैरिनेट करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मटन में लग जाएं।
मटन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम ऑयल लिया है यहाँ पर हमने तकरीबन एक कप जितना। फ्राइंग पैन में मटन की बोटियाँ हमें एक एक करके इसमें ऐड कर लेनी है। हम इसको मटन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ये प्रोसीजर जो है, या ऐसे कह दें कि अफ़गानी मटन का जो मेथड है वो थोड़ा है मुश्किल, मतलब खानों में इसी तरह से ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब हम मेहनत करके पकाएंगे तो हमारा खाना भी बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज कुछ खाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपीज़ ट्राई किया करें। हमें इसको कलर देना है, फ्राई करना है मटन को। एक साइड से हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम दूसरी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हमें इसको कलर लाने तक 10 से 12 मिनट हमें एक साइड लगे थे। अब दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से पका लेंगे, ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है। मटन हमारा बहुत अच्छा सा ब्राउन हो गया है, कलर हमें यही चाहिए था। हमने प्लेट में इसको निकाल लेंगे हम। इसको ऐसे मैरिनेट करके फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। वही पैन लिया है मैंने जिसमें हम बॉयल किया था, कढ़ाई ले ली है वही वाली। इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 लौंगें ली है यहाँ पर, और छोटी इलायची ली है 2 से 3। इससे बहुत अच्छा खुशबू आएगा इसमें। अब ये बैटर जो हमारा बच गया था, मटन को तो हमने निकाल दिया था, मैरिनेट जो किया था हमने उसको फ्राई कर लिया था, बाकी जो हमारा बैटर था उसको हम इसमें डाल के पकाएंगे। हमारे ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ये हमारा कच्चा था तो हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे एक बॉयल आने तक। फिर हम इसको मिक्स करते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें क्रीम और योगर्ट ऐड किया है, तो इसमें थोड़े से छींटे आएंगे। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए कवर अप करके और थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। बहुत अच्छी सी ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, बहुत लजीज। तकरीबन हमें यहाँ पर इसको पकाते हुए 10 से 12 मिनट लगे हैं और बहुत ही अच्छा सा ये हमारा जो है तैयार है मिक्सचर। अब हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे। मटन ऐड करके हम इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे, 4 से 5 मिनट तक थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई से भी बहुत अच्छा सालन का टेस्ट आता है। और हमने मटन को थोड़ा सा ब्राउन किया है, फ्राई किया है, तो इससे वैसे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ कप जितना पानी डाल के मैंने इसको कवर अप कर लिया था, 5 से 7 मिनट तक इसको पकाया था। अब हमारा मटन, अफगानी मटन तैयार है, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब बहुत ही अच्छा तैयार है। अब एक स्टेप और रहता है यहाँ पर हमारा, लास्ट और मेन स्टेप जो है इसको हमें स्मोक देनी है। तो कोयला मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था एक कटोरी लेकर, उसमें हम वो कोयला रखेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो एकदम से स्मोक आना शुरू हो जाएगी। इसको कवर अप कर लेंगे ताकि ये स्मोक अच्छे से इसमें अफगानी मटन में आए, टेस्ट आएगा इससे बहुत अच्छा सा। इसका स्मोक हमने लगा दिए है। अब हमारा मटन बिल्कुल रेडी है। अफगानी मटन बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सा ये अफगानी मटन तैयार है। हमने डिश आउट कर लिया है इसको। इसको अब थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। हरी मिर्च, हरा धनिया डालें और लेमन डालें, अदरक डालें, जो भी आपको पसंद हो। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।